ये भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस पेश नहीं किया और हम पूरा विरोध करते हैं कि पिछड़ी जाति ओबीसी का आरक्षण जो समाप्त किया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये मैं नहीं जानता, बीजेपी के पास केवल पुलिस और पैसा बचा है और कुछ बचा नहीं है, जनता का कोई समर्थन बचा नहीं है। हम इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग को पहले भी मिलता आया, पिछली बार भी 35 सीट आरक्षित थी जिसमें से 13 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग की थी, जिला पंचायत अध्यक्ष की जनता पंच में सरपंच शुरू से होता आया है और इसलिए संविधान में कानून में अधिनियम बनाना पड़ेगा, बनाएंगे लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में है, उनको राहत मिले इसके लिए पूरा ईमानदारी से प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती कूचर करती कूचर, 60 साल राज किया, गरीबी नहीं हटी देश से, बेरोजगारी नहीं हटी, एक पक्का गरीब को मकान बना के नहीं दिया, एक गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, एक गरीब के घर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली की व्यवस्था नहीं की, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आजादी के 75वां वर्ष चल रहा अमृत महोत्सव, उसमें से 6 साल अटल जी के, 7 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, 13 साल और मध्य प्रदेश में 17वां साल चल रहा है। जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गरीब की चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को शक्ति। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।